यदि आप सूर्य के आसपास उड़ते हैं तो क्या होता है? कैसे हैं दोस्तों आप? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं बहुत ही रोचक अनुमानित अनुभव। अगर आप सूर्य के आसपास उड़ते हैं तो क्या होगा? स्वागत है आपका हमारे चैनल अनसुनी कहानियों में। दोस्तों, आप सभी ने अंतरिक्ष एवं सौर मंडल से जुड़ी कई बातें सुनी होंगी और कई ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंड एवं अन्य चीजों के बारे में भी सुना होगा जो सौर मंडल में मौजूद हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ जुड़ने जा रहे हैं सौर मंडल के ही एक पिंड से जुड़ी बातों के बारे में। कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत रोचक हैं। आप सभी जानते हैं सूर्य एक बहुत बड़ा पिंड है जो आग के गोले के समान है। सूर्य को सौर मंडल का तारा भी कहा गया है, जिसके इर्द गिर्द कई अवयत घूमते रहते हैं। इतना ही नहीं, सूर्य को सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड कहा जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। ये हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसों से युक्त एक विशाल और गर्म गोला है। तो अगर इस आग के गोले के इर्द गिर्द घूमा जाए तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इस बारे में यहाँ हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले हम सूर्य से जुड़ी कुछ रोचक बातों पर विशेष ध्यान देंगे। सूर्य की सतह का निर्माण कैसे हुआ? जैसे ही हमने अभी देखा कि सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से मिलकर बना है, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ अन्य गैस भी उपलब्ध हैं जो बहुत गर्म और ऊर्जावान हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, निकल, सल्फर, लोहा, सिलिकॉन, कार्बन, नियॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्रोमियम इत्यादि। इन सबसे ही मिलकर सूर्य की सतह का निर्माण हुआ, जिसमें हीलियम की कुल मात्रा 24% है एवं हाइड्रोजन की कुल मात्रा 74% है। जब हम इस सूर्य को दूरदर्शी यंत्र से देखते हैं तो इसके ऊपर और आसपास छोटे छोटे धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये इसके अवयव हैं, जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, एवं इन धब्बों को वैज्ञानिक भाषा में सौर कलंक कहा गया है। एक दूरदर्शी से इन कलंक को अपने स्थान में परिवर्तन करते हुए भी देखा जा सकता है। और ये सब देखते हुए वैज्ञानिक एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ लगभग 27 दिनों में स्वयं के अक्ष पर ही एक परिक्रमा को पूर्ण करता है, एवं ये 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करने में सक्षम है। क्या सूर्य के पास जाना संभव है? ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सूर्य बहुत ज्यादा गर्म है, एकदम आग के गोले जैसा। वैज्ञानिकों ने रॉकेट के साथ इस ग्रह पर जाने की कल्पना की है, लेकिन इस ग्रह के आसपास का तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसके आसपास जाना इतना आसान नहीं है। गर्म ग्रह होने के कारण इस ग्रह के आसपास से आग निकलती है, जो हमें आसानी से जला सकती है। और अगर सूर्य के ज्यादा निकट जाने की कोशिश की तो ये किसी भी रॉकेट को जलाने में भी सक्षम है। सूर्य के आसपास जाना भी खतरे से खाली नहीं है। कई बार वैज्ञानिकों के द्वारा सूर्य के पास जाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही दूरी से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि इसके तापमान के सामने ज्यादा देर टिकना संभव नहीं था। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर सूर्य के पास जाने के क्या नुकसान और परिणाम हो सकते हैं। GTA-5 उन रॉकेट में से है जो काफी ठंडे होते हैं एवं सूर्य के तापमान का सामना करने के लिए सक्षम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सूर्य के बहुत पास नहीं जाया जा सका। कई बार वैज्ञानिकों ने सूर्य के पास जाने का प्रयास किया एवं सूर्य के पास जाने के लिए इन्होंने कई ऐसे रॉकेट भी तैयार किए जो सूर्य के तापमान के सामने टिक सकें, लेकिन सूर्य का तापमान अधिक होने के कारण सफलता हासिल नहीं हुई। और अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से सूर्य के पास जाया जाए। कई लोगों के मन में ख्याल आते होंगे कि क्या सूर्य पर जीवन संभव है, तो ये सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, और सही मायनों में देखा जाए तो इसकी कल्पना करना भी घातक है। ये एक डराने वाले सपने की तरह हो सकता है। हमारे शरीर के तापमान और सूर्य के तापमान में बहुत अंतर है, और हमारा शरीर कभी भी सूर्य के तापमान का सामना नहीं कर सकता। अगर हम सूर्य के पास जाएंगे तो जल जाएंगे। उदाहरण स्वरूप, जब पृथ्वी पर गर्मियों में तापमान बढ़ता है तो हमारा शरीर एक सीमा तक ही गर्मी को सहन कर पाता है। उसके बाद हम अपने घरों में गर्मी से बचने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन सूर्य तो वह गोला है जो इस गर्मी की उत्पत्ति करता है। तो जरा सोचिए, क्या सही में ऐसा हो सकता है कि सूर्य पर जीवन संभव हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की जा रही है, लेकिन सूर्य पर जीवन की कल्पना करना भी खतरनाक है। लेकिन सूर्य का प्रकाश हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो चलिए देखते हैं कैसे सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के लिए उत्तम है। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है, जो हड्डियां मजबूत करने में सक्षम है। इसके साथ ही ये कई बड़ी बीमारियों से भी आपको बचाता है, जैसे मधुमेह, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और उच्च रक्तचाप इत्यादि। और कई प्रकार की बीमारियों के इलाज सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से संभव है। लेकिन अभी लोग इस ऊर्जा को लेने से बचते हैं, जिसका परिणाम वे विटामिन डी की कमी का शिकार होते जा रहे हैं। अगर हम नाविक सैनिकों की बात करें, तब हमें शायद एहसास होगा
कि वे कैसे पनडुब्बी में रहते हैं जहां उनको ना तो धरती नसीब होती है ना सूर्य की पर्याप्त ऊर्जा। दोस्तों हम अपने आने वाले वीडियो में आपको रूबरू कराएंगे पनडुब्बी में सैनिकों की लाइफ कैसी होती है से। जीवन के लिए सूर्य की ऊर्जा, पानी, हवा, मिट्टी सभी कुछ आवश्यक है। अगर इनमें से किसी एक चीज की भी कमी होती है तो हमारी जीवन शैली पर इसका गलत असर पड़ता है और परिणाम स्वरूप हम कई बीमारियों से घिर जाते हैं एवं इन बीमारियों से उभरना भी हमारे शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर एक सुखी और अच्छी पुष्टि वाला जीवन यापन करना है तो शरीर को हर चीज दें, हवा, पानी एवं सूर्य की रोशनी। देखिएगा, आपको किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे हम बात कर रहे थे कि क्या होगा अगर सूर्य के आसपास हम उड़ते हैं तो, इसका जवाब शायद आपको मिल गया होगा। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि सूर्य अत्यधिक तापमान वाला पिंड है, इसके पास भी जाना खतरे से खाली नहीं है। तो सूर्य के पास जाने के कई दुष्परिणाम हैं जो हमारे जीवन को भी नष्ट कर सकते हैं। आज तक वैज्ञानिक इसी खोज में हैं कि कैसे सूरज के बहुत पास जाया जाए जिसके इसके आसपास के आचरण किया जा सके और दुनिया को इसके बारे में बताया जा सके। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारा हर वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं एवं इस पर कमेंट करते हैं। इस तरह हमसे जुड़े रहिए और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले बेल बटन दबा दें एवं सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, यहाँ कमेंट दें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़ें और हम आपको जोड़ेंगे कई रोचक तथ्यों के साथ जहां कुछ कल्पनाएं होंगी, कुछ सच्चाई होंगी एवं कुछ घटनाएं होंगी। आज के लिए बस इतना ही, तो हम मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और जल्द ही लौटिए हमारे अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।